हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आप जो है एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करने के साथ में आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों देखो, हर काम बहुत ज़रूरी है और आपके लिए फ़िलहाल में क्या है कि देखो, एंजॉय करना अपनी जगह है और पढ़ना अपनी जगह है और खेलना भी है आपने, तो तीनों में आपने क्या है कि एक सामंजस्य बिठाना है, किसी न किसी तरीके से एडजस्टमेंट करना है, ठीक है ना। तो हम आज आपको बताएंगे कि वैसे तो आपने, जैसे मैं ये क्लास नाइन्थ में बता रहा हूँ, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल एंड देयर कॉन्सेप्ट्स, तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं ये बात हम पहले क्लास सेवन्थ में भी जाने, एट्थ में भी जाने, सिक्स में भी शायद है, तो हो सकता है कि उससे पहले भी हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि क्लास नाइन्थ में जो, जैसे हमने पैरेलल लाइंस जो है उसमें अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, अगर ये एंगल इक्वल है तो इक्वल होते हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरम वी हैव टू प्रूव देम, ठीक है। तो पहला हम क्या कंसेप्ट लिखा कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर लिखा हमने कि पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, सपोज कर लो कि हमने क्या किया, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं हम टू लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये लिख लिया। मान लो कि एक लाइन ये है और दो लाइनें ये है, ये आगे एक्सटेंड करने पर इंटरसेक्ट कर जाएगी और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये बात हम पहले से सीख रखे हैं कि अगर ये दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ लिख लेते हैं हम पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये एल मान लिया, ये एम मान लिया और ये टी मान लिया, एल और एम दो इंटर दो लाइंस हैं जिनको टी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो एक तो एंगल इसको वन नाम डाल लिया, इसको टू नाम डाल लिया, ये थ्री मान लिया, फोर मान लिया, फाइव मान लिया, सिक्स मान लिया, सेवन है और ये एट है, तो पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे बच्चे कौन सा, एंगल वन और एंगल फाइव, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यानी ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, अगर आप देखेंगे तो एक जैसे लगेंगे, टू और एंगल टू और एंगल सिक्स एक पेयर हो गया, एंगल थ्री और एंगल सेवन एक पेयर हो गया, और एंगल फोर और एंगल एट एक और पेयर हो गया, तो ये चार पेयर हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, लेकिन मैंने यहाँ पर इक्वल नहीं लिखा है, क्यों नहीं इक्वल लिखा, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल नहीं है, जब ये पैरेलल होंगी तब ये इक्वल होंगे जा करके, फिर क्या होता है कि एक तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास क्या है कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स मतलब एंगल थ्री और एंगल फाइव एक पेयर हो गया, और एंगल फोर और एंगल सिक्स एक और पेयर होगा, तो ये दो पेयर होगा, ऐसे एक्सटीरियर एंगल वन और सेवन हो गया, टू और एट हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये एंगल 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 जैसे एंगल फोर नंबर थ्री, ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, एंगल फोर और प्लस एंगल फाइव का सम जो होगा वो लेस देन होगा किसके, 180 डिग्री, ठीक है, और इस साइड इसके अपोजिट साइड में है, यानी एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स इनका सम होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है, तो ये कंडीशंस है व्हेनेवर दीज टू लाइंस आर गिवन एंड टी ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग देम, नाउ दैट सिनेरियो, यानी ये कंसेप्ट हम पैरेलल लाइंस के केस में कन्वर्ट कर देते हैं और उस केस में ये हमें क्या मिलेगा जाकर के वो देखते हैं, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट।
यहाँ लिखा मैंने पैरेललाइज एंड ट्रांसफर, पैरेलल पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसफर सर। अब सपोज कर लो कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे ये पैरेलल हैं, एल मान लिया या ए भी लिख लेते हैं, ए बी और सी और ये टी है और पी और क्यू पर ये इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते, पैरेलल लाइंस पे जो क्या होती हैं वो लाइंस जो कि आगे पीछे इंक्रीज करने पर एक्सटेंड करने पर एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उस टाइप की लाइंस को आप क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल, इज ए ट्रांसवर्सल, टी हमें क्या दे रखा है, ट्रांसवर्सल दे रखा है। तो अब हमने क्या लिखना है कि क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल में वो होता है, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में क्या रिलेशन होगा, को इंटीरियर एंगल में क्या रिलेशन होगा, इस तरीके से मुझे रिलेशन आइडेंटिफाई करना है जो कि हमें इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में यूज करना है। क्या लिखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग देम एट टी एंड क्यू, लिख देता हूँ भाई यहाँ पर इंटरसेक्टिंग देम एट पी एंड क्यू, पी और क्यू पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। देन नंबर वन क्या लिखूंगा कि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles are equal, ठीक है। अब आपको पता है कि pair of corresponding angles कौन से होते हैं, यानी angle 1 बराबर होगा angle 5 के, angle 1 is equal to angle 5 के, ये पहला pair हो गया, angle 2 बराबर हो जाएगा angle 6 के, angle 4 बराबर हो जाएगा किसके, angle 8 के, और उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 के। ठीक है, इनका नाम ये भी हो सकता है, जैसे ये हमारे पास क्या 3 दे रखा है ना, तो ए पी क्यू भी हो सकता है इसका नाम। तो ये चार पेयर बन गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो कि आपस में इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम होगी जिनको कि हम आगे प्रूफ करेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स का कौन पेयर है, एंगल 3 बराबर एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है, एंगल 4 बराबर एंगल 6 हो जाएगा, ये इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल में भी इक्वल होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 7, एंगल 2 बराबर एंगल 8 के होगा। फिर हमारे पास जो थर्ड होगा वो क्या होगा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री आर सप्लीमेंट्री, यानी या हम उनको क्या कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो बच्चों ये क्या थे कि दो एक कंसेप्ट थे, अब ये हमें किसके फॉर्मेट में दे रखे हैं, थ्योरम के फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो जब ये थ्योरम के फॉर्मेट में दे रखे हैं तो हमें क्या करना होगा, उन थ्योरम्स को प्रूफ करना होगा, उन थ्योरम्स को प्रूफ करना होगा। तो वो प्रूफ हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। और जो है जैसे थ्योरम 6.2 दे रखी है, एक्जियम वगैरह दे रखा है, तो और एक आध प्रॉपर्टी होगी वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई हो, अगर क्लियर नहीं हो आप वीडियो को बार बार देखें, क्लियर ज़रूर होगा, ऐसा नहीं कि क्लियर नहीं हो, फिर भी अगर क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। जय हिंद।